महाराज क्या है, परेशान कर रहे हैं। सुनिए, आप अपनी बात रखना चाहते हैं। आप सुनिए, कुछ देर पहले आपको कह दे कि मनीष जी नहीं है, हमको गरिया रहे थे, जब आ गए तो ये गरिया रहे जानकारी दे रहे हैं। उतरते आर्मी के जवान को थप्पड़ मारा गया है, उसके बाद आर्मी के जवान नेता का बेटा पिटाया होता और उस जेल गया होता तो वो अब तक छूट गया होता कि नहीं? तो बकर बकर करने के लिए ही नहीं बैठे होते अभी तक, समझा ना? सुनिए, देखिए 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 देख लीजिए, आप अपनी बातों को सुनिए। एक मिनट रुकिए, सुनिए, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, सुनिए, एक मिनट, हम बता रहे हैं, ये आपकी बातों को उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए, एक मिनट, यही पुलिस वाले हैं जो रात में 2 बजे ड्यूटी दे रहे थे। हम लोगों ने आवाज उठाया कि रात में 2 बजे ठंडा के मौसम में ड्यूटी देना पड़ रहा है, इनके वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, उनके लिए भी आवाज उठाते हैं, लेकिन आर्मी के जवान को हम लोग थोड़ी भूल जाएंगे। कुछ लोग अब फोटो वायरल कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं कि आर्मी के जवान ने गाली दिया है, कुछ लोग फोटो वायरल कर रहे हैं कि जिस आदमी के साथ धक्का लगा उसका हड्डी टूट गया है। ये फोटो जो है 7 दिन बाद क्यों वायरल हो रहा है? जिस दिन हड्डी टूटा उस दिन क्यों नहीं वायरल हुआ? उसी दिन होना चाहिए था ना कि हाँ हड्डी टूट गया। ये एक्सरे रिपोर्ट आज मैंने फेसबुक पे मैंने देखा, क्या पता वो फर्जी होगा? फर्जी केस पता है? नहीं नहीं नहीं, क्या पता फर्जी होगा, और अगर फर्जी नहीं है, हड्डी टूटा है, हमारी सहानुभूति है, हम इलाज करवाएंगे, अपना पैसा लगवाएंगे, लेकिन आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के मारना क्या उचित था? नहीं, पूरा वीडियो अब वायरल किया जा रहा है, पहले आधा वीडियो वायरल किया गया, अब पूरा वीडियो वायरल किया जा रहा है। पूरा वीडियो में आर्मी के जवान के मुंह से एक जगह अपशब्द निकला है, लेकिन उसके पहले क्या आर्मी का जवान बोला है? सुने, आर्मी के जवान को उतना मारा गया, नहीं ठीक है, पहले सुनिए ना, उसके पहले आर्मी का जवान ये बोला कि आपके सामने मेरा परिवार मार खा रहा था, मैं मार खा रहा था, अधूरा वीडियो देखे, रुकिए ना, आपको जानकारी दे रहे हैं, उतरते आर्मी के जवान को थप्पड़ मारा गया है, उसके बाद आर्मी के जवान गाली दिया है, ठीक है, वही बात बोला जा रहा है, जानकारी वही बात ही बोल रहे हैं। सबसे पहले आर्मी के जवान को गाड़ी में से खींचने के बाद एक थप्पड़ मारा गया है, ठीक है, आर्मी का जवान ये बोलता है कि मेरे परिवार को, महाराज गलती हो गया, अजय बात है, हम लोग चले जाए, क्लियर कर रहा है, इन्हीं से पूछ लीजिए, लोग इन्हीं से पूछिए, पूछिए उन्हीं से, आप महाराज नेता गिरी करने आ रहे हैं, पहले आपस में लड़िएगा लोग, पहले आधा हम चुप कर रहे हैं, पहले आधा वीडियो वायरल किया गया, उसके पहले पूरा सुनिए, पहले आधा वीडियो वायरल किया गया, उसके बाद से पूरा वीडियो है। आर्मी का जवान ये कह रहा है कि मेरा परिवार वाला मार खा रहा था, और उसके बाद से आर्मी का जवान बोलता है, किसी को भी गुस्सा आएगा उसके आंखों के सामने, जो देश का सुरक्षा करता है और उसका परिवार मार खाए सड़क पे, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल, हम पूरे देश का सुरक्षा करते हैं, हमारा परिवार जो है मार खा रहा है, बिल्कुल आएगा। एक जगह पे उनके मुंह से अपशब्द निकलता है, लेकिन उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, हजारों गाली दिया जाता है, जब एक गाली वो देते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, जब हजारों गाली वाले गाली देने वाले को नेपाल काहे भेज दिया गया है? सही बात है, काहे भेज दिया गया, उसको भी तो उसी सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल डाल देना चाहिए था कि नहीं? हम लोग जब पहले दिन बैठे, पहले दिन ये बैठे थे, बाद में हम लोग आए तो बोला गया कि सोमवार को छोड़ दिया जाएगा, बोला गया, उसके बाद बोला गया मंगलवार को छोड़ दिया जाएगा,
अब पता चल रहा है कि बुधवार को छोड़ दिया जाएगा, और बुधवार को पता चलेगा बृहस्पतिवार को छोड़ दिया जाएगा, बृहस्पतिवार को पता चलेगा शुक्रवार को छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई नेता का बेटा पिटाया होता और उस जेल गया होता तो वो अब तक छूट गया होता कि नहीं? तो बकर बकर करने के लिए ही नहीं बैठे होते अभी तक, समझे ना? ये चीज है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, समझे ना? सुनिए ना, सुनिए, देखिए 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 देख लीजिए, देख लीजिए, देखिए खराब करने आए धारणा को, जब पहला दिन बैठा था हम पहला दिन बैठे थे, हम इनका कहानी बता रहे हैं, सुनिए, जब पहला दिन बैठे थे उस दिन भी गड़बड़ कर रहे थे यार, अपना अपना विचार है, लोग भी गड़बड़ कर रहे हैं, सपोर्ट करने आया है। अभी कुछ देर पहले वो बोल रहे थे कि मनीष भाई, मनीष जी बोले थे आने के लिए नहीं आए, और अभी आप आए हैं तो उनको किरकिरी लग रहा है। और सुनिए ना, ऐसे ऐसे लोग खाली हमारा टांग खींचते हैं, सही बात, समझे ना? क्या बोल रही है? परसों भी ये आदमी वैसे ही किया, मनीष का बोल दिया, पहले वो बोले हो रहा है, कुछ लोग बदनाम करने के लिए किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, क्या किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं? हमको पता है कि सुनिए, आप अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि मनीष जी नहीं आए, तो ये अभी के सम्मान के लिए आपकी आवाज परेशान कर रहे हैं, सुनिए, आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो रखिए। आप सुनिए, कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि मनीष जी नहीं है, हमको गरिया रहे थे, जब आ गए तो अब ये गरिया कभी नहीं गरिया थे। आप अपनी बातों को सुनिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, सुनिए, सुनिए, एक मिनट, हम बता रहे हैं, ये आपकी बातों को आप उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए आए, एक मिनट, एक मिनट, सुनिए, सुनिए, एक मिनट, सुनिए, हम बता रहे हैं, आप लोग अपने कैमरा थोड़ा बंद कर दीजिए भाई।